नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो प्राइसिंग बढ़ने जा रही है। जितनी भी आपको टू व्हीलर्स देखने को मिल जाती हैं, बाइक हो, स्कूटी हो, उनकी प्राइस इंक्रीज़ होने जा रही है 2021 में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, किस गाड़ी कितनी प्राइसिंग बढ़ने वाली है और कौन कौन सी कंपनी कितनी कितनी प्राइसिंग में इंक्रीजमेंट लाने वाली है। आपकी हीरो हो गई, TVS हो गई, होंडा हो गई, बजाज हो गई, आपको यमा, सारी गाड़ियों की प्राइसिंग बढ़ने वाली है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही समझ में आ जाए। बात कर लेकर हीरो की कंपनी के बारे में, तो हीरो ने अभी बताया है कि लगभग 1,000 से 15,000 रुपये तक का प्राइस इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाएगा। जनवरी के मिडिल या एंड तक में कंफर्म कर देगा हीरो भी कि आपको पर्टिकुलर गाड़ी में, मान लीजिए HF डीलक्स या सुपर स्पेंडर या पैशन प्रो में, कितना प्राइस इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाएगा। अभी बस हीरो ने ये बताया लगभग 1 से 1,500 रुपये तक का प्राइस इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है हीरो की सारी गाड़ियों में। स्कूटी ले लीजिए, सुपर स्पेंडर ले लीजिए या पैशन प्रो ले लीजिए, आप सभी को पता ही होगा टू व्हीलर सेगमेंट बहुत अच्छा नाम है हीरो कंपनी का। उसके बाद अगर हम अपने बजाज कंपनी की बात कर लें तो बजाज ने अभी तक कोई क्लियर अनाउंसमेंट नहीं किया होगा। आप सभी को पता है स्पोर्ट्स में नंबर 1 बाइक है बजाज कंपनी हमारे इंडियन मार्केट में। तो अभी तक बजाज ने कोई क्लियर अनाउंसमेंट नहीं किया है कि गाड़ी में कितना प्राइस इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन उम्मीद है बजाज भी हो सकता है थोड़ी बहुत प्राइसिंग बढ़ा सकता है। बाकी बजाज अपने हिसाब से अपनी प्राइसिंग इंक्रीज़ करते रहता है। तो मैं आपको बता दूँ, जो एक मेन रीज़न, जो एक मेन प्रॉब्लम बताई जा रही है कंपनी द्वारा जिसके साथ प्राइस इंक्रीज़ किया जा रहा है, वो रहना जो आपको फाइबर के पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जो आपको लोहे के पार्ट्स देखने को मिलते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो उसकी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गई है। मतलब जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो पार्ट्स लगते थे उसका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो चुका है। मतलब बाकी जो कंपनियाँ जो मैन्युफैक्चर करती हैं लोहे के पार्ट्स, फाइबर के पार्ट्स, उन्होंने इसका पार्ट्स के जो रेट है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। इसके जैसे बाकी बाइक कंपनी, टू व्हीलर कंपनी को अपने प्राइस इंक्रीज़ करने पड़े हैं, जो कि एक बड़ा मोटिव और बड़ा एक रीज़न निकल के आ रहा है जिसके जैसे टू व्हीलर कंपनियां भी प्राइस अपना इंक्रीज़ करते जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं आपको यहां पे सारी रेंज देखने को मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल आगे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और गाड़ी आप जल्द से जल्द बाई कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग वेट कर रहे थे कि 2021 में बाई करेंगे, बिल्कुल 2021 में स्टार्टिंग में ही बाई कर लें, क्योंकि हो सकता है जनवरी मिड या जनवरी फरवरी में आपको हो सकता है प्राइस इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप अभी गाड़ी बाई कर लेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल निकल के आने वाली है। उसके बाद अगर मूव करें यमा के बारे में, तो यमा का फसिनो आप सभी को पता ही होगा एक यूनिक लुक प्रोवाइड करता है 125 सेगमेंट में। तो इसकी प्राइसिंग की बात कर लें तो इसमें भी बिल्कुल आपको 1 से 1,500 रुपये तक का प्राइस इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। अभी तक इसके बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अभी तक हीरो ने क्लियर बताया है और होंडा ने क्लियर बता दिया कि उनके प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं आपको यमा फसिनो को भी प्राइस और बाकी जो यमा के जितनी सेगमेंट हैं, यमा MT15, FZ, आपको सारी के प्राइस इंक्रीज होते दिख जाएंगे, जो कि एक बड़ा इशू निकल के आ रहा है। तो आप बिल्कुल अभी जाके गाड़ी बाई कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छी बात रहेगी। हो सकता है अगर प्राइस इंक्रीज़ कर जाए लगभग 1 से 2,000 रुपये, तब आपके लिए कोई वर्थ नहीं रहेगा। आप अभी बाई कर ले वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। हो सकता है आपको कुछ ऑफर्स भी देखने को मिल जाए, न्यू ईयर्स ऑफर, दिसंबर एंडिंग जो स्टॉक होता है, हो सकता है उसको कुछ क्लियरेंस वाले भी ऑफर देखने को मिल जाए, कि हर शोरूम में अलग अलग लेवल पर अलग अलग ऑफर चलते रहते हैं। तो आप बिल्कुल अपने नियर बाई शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पता कर सकते हैं क्या ऑफर चल रहे हैं, क्या ऑफर नहीं चल रहे हैं। अगर कुछ ऑफर चल रहा है तो बिल्कुल आप गाड़ी बाई कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात रहेगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेगमेंट पढ़ें क्या स्कूटी की, तो स्कूटी में भी बिल्कुल आपको प्राइस देखने को मिलेगा इंक्रीज़ होते हुए दिख जाएगा। देख सकते हैं यमा की रेजेड है, इसमें भी आपको बिल्कुल प्राइस इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि एक बड़ा इशू निकल के आ रहा है। बहुत लोग कह रहे थे क्या बाइक में ही देखने को मिलेगा, तो मैं बता दूं नहीं, आपको स्कूटी में देखने को मिल जाएगा। और बहुत लोग क्वेश्चन था क्या उन्होंने गाड़ी पहले प्री बुकिंग कराई है, तो आप अपने नियर बाई शोरूम में जाके बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर लें कि आपने जो गाड़ी प्री बुकिंग जिस अमाउंट पर कराई है आपको उसी अमाउंट पर मिलेगा, कि आपको ऑल न्यू अमाउंट पर मिलेगा, कि होंडा और हीरो ने कन्फर्म कर दिया कि उनकी प्राइसिंग बढ़ रही है। TVS का भी तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया, TVS ने भी तो कोई भी न्यूज़ लीक नहीं की है। बाकी आपको पता है वो TVS की भी आपको अच्छी खासी गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं, टू व्हीलर सेगमेंट में अच्छा नाम है TVS का भी। TVS की जुपिटर ले लें, TVS की एंटॉक ले लें, TVS की अपाचे ले लें, ये 3 मोस्ट सेलिंग बाइक्स और स्कूटी है TVS कंपनी की तरफ से। बहुत अच्छा डिमांड है इनका भी मार्केट में, आपको पता ही होगा TVS रेडियन, TVS स्टार सिटी, TVS स्पोर्ट, आपको पेप देखने को मिल जाएगी। इन सब का भी अच्छा डिमांड है मार्केट में, अच्छा पकड़ बना के रखा है TVS की अपाचे ने, TVS की जुपिटर ने, TVS की एंटॉर्क ने। तो अभी TVS ने भी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन उम्मीद यही है कि लगभग 1 से 2,000 रुपये तक का प्राइस इंक्रीजमेंट आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ पर सारी कंपनियाँ प्राइस बढ़ाने पर लगी हैं वहाँ TVS पीछे बिल्कुल नहीं रहेगा। TVS भी बिल्कुल कोशिश करेगा कि प्राइस बढ़ाए, क्योंकि सब में आपको फाइबर्स और आयरन के भी पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। सब में आपको फाइबर के भी देख सकते हैं पार्ट लगे हुए हैं और लोहे के पार्ट लगे हुए हैं, तो सारी कंपनियाँ इसी पे बेस हैं। तो आपको बिल्कुल प्राइस इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है इन सब गाड़ियों में भी। उसके बाद आप देख सकते हैं जुपिटर, जुपिटर पे भी आपको कुछ हो सकता है ऑफर देखने को मिल जाए, तो आप नियर बाई शोरूम में बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हो सकता है आपको जुपिटर कुछ ऑफर देखने को मिल जाए। उसके बाद कल 125 cc मोस्ट डिमांडिंग बाइक की होंडा SP 125 BS6 मॉडल के बारे में, तो आपको इसमें भी बिल्कुल प्राइस इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। होंडा ने तो क्लियर अनाउंसमेंट कर दिया, लगभग 1 से 2,000 रुपये तक का प्राइस इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा।
अभी तक कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है किस गाड़ी में कितना प्राइस इन्फॉर्मेशन बढ़ा है। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है मैं आप सबको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा कि होंडा एसपी, एक्टिवा 6D और बाकी जो होंडा की गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है, हॉर्नेट और भी जो होंडा लीवो साइन, उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है। बाकी मैं आपको हीरो, टीवीएस सारे की इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पर्टिकुलर बाइक का पर्टिकुलर कितना प्राइस बढ़ा है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वो आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स यही था एक डिटेल्ड वीडियो जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है सारी गाड़ियों का। एक्टिवा 6D देख सकते हैं, स्पेशल एडिशन अभी ऑल न्यू लॉन्च हुई है तो इसका भी प्राइस बिल्कुल इंक्रीज हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ हमारे जरूर सब्सक्राइब कर जाएँ ताकि आपको कोई भी ऐसी बाइक अपडेट इन्फॉर्मेशन कोई भी मिस ना हो। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके जो प्राइस इंक्रीजमेंट होने जा रहा है गाड़ियों में। थैंक यू।